गंगा जी के पावन तट पर स्वर्गाश्रम में हम लोग बैठे हैं और पूरे प्रेम के साथ भगवद गीता का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सही बात यह है, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, आज सवेरे से मेरा मन यहां पर लगता नहीं है। बार बार मेरा मन आज संगम निर ही संगम निर जा रहा है, क्योंकि हमारे संजू भैया का आज 50वां जन्मदिन है। जन्मदिन तो प्रतिवर्ष आते ही रहते हैं, लेकिन 50वां जन्मदिन अपने आप में कुछ विशेष माने रखता है। संगम निर में उत्सव तो चल ही रहा है, लेकिन विशेष बात सरल सोपा यशाचा मार्ग भगवद गीता, इस विषय को लेकर के संजू भैया के 5 दिन वहां पर व्याख्यान चल रहे हैं। और व्याख्यानों की स्थिति ऐसी है, 3000 कुर्सियां ज्यादा ला करके रखने पर भी लोग वहां पर समाते ही नहीं हैं। एक 50 वर्ष का युवक धनाढ्य कुल में जन्मा हुआ और सभी सुविधाओं से युक्त होकर के भी अपने पूरे व्यक्तित्व को केवल भगवद गीता के मार्ग से राष्ट्र के निर्माण में जुटा हुआ है, और उसके लिए जिसने अपने जीवन का ध्येय छोटे बालकों में शिक्षा और संस्कारों को निर्माण करना और उन्हें इधर उधर न भटकने देते हुए अपनी संस्कृति के आचार विचारों में ढालना, ऐसा ध्येय कोई युवक आज लेकर के चले और यह बात केवल वह लोगों को न कहे, अपने जीवन में उतार करके दिखावे, यह हम सब लोगों के लिए बड़े अभिमान का विषय है, बड़े गर्व का विषय है। अपने जीवन में उतार करके दिखाने की बाकी विधाएं आचरण से व्यवहार से झलकनी, ये तो एक बात है, लेकिन विशेष बात आपको बतलाता हूं। इस 50वें वर्ष के पूर्व, 3 वर्ष पूर्व उसने मुंबई के शिविर में मेरे सामने प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि मैं 3 वर्षों में भगवद गीता कंठस्थ करूंगा। और पिछली एक गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूरी भगवद गीता कंठस्थ हो गई। एक अत्यंत व्यस्त व्यक्ति को इस आयु में भगवद गीता कंठस्थ करना, यह कोई वैसे सरल काम तो नहीं है, लेकिन ये संजू भैया ने करके दिखाया है। भगवद गीता का केवल कंठस्थीकरण ही नहीं, भगवद गीता के ऊपर केवल व्याख्या नहीं, नहीं, अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला है, ये देख करके आधुनिक शिक्षा में उसने संगमनेर में ध्रुव एकेडमी का जो निर्माण किया और पुणे में जो ध्रुव ग्लोबल का निर्माण किया, उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। गीता परिवार के लाखों बालक लाभान्वित होते रहे हैं, पूरे देश में हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं। इन सबको साथ में लेकर के चलना कोई सादी बात नहीं है, टेढ़ी खीर है। 4 लोगों को भी साथ में लेकर के थोड़े दिन काम करना भी कितना कठिन होता है,
और उसमें भी जब आधे से अधिक संख्या इन लोगों की होती है तब ये बात कितना और कठिन हो जाता है, ये कोई सादी बात नहीं है। लेकिन संजू भैया ये सब कर रहे हैं। जिस प्रकार के युवकों का निर्माण स्वामी विवेकानंद चाहते रहे इस देश के उत्थान के लिए, उसी मार्ग पर चलते हुए और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते हुए उन्होंने जो अनेक कार्य किए हैं वे अपने आप में कीर्तिमान हैं। मेरा 70वां जन्मदिन जब त्रिवेणी के तट पर कुंभ में मनाया गया, उस समय यह पुण्य प्रवाह हमारा इस महानाट्य का उन्होंने संगम नेर से सारे बालकों को लाकर के जो प्रदर्शन किया, मैं आपको क्या बताऊं, देश की सारी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें उपस्थित थी और देख करके दांतों तले उंगली दबा रही थी कि हम क्या देख रहे हैं। ये सब निर्माण करना, उसका संचालन करना, सतत आगे बढ़ते रहना साधारण बात नहीं है। तो इसलिए मेरा मन करता है कि अपन संगम नेर चले, यहां बैठे बैठे भी चले। बैठे बैठे एक सहज मुझे कविता सूझी, उतनी पढ़ता हूं। संजू भैया को हम सब लोग यहीं से जन्मदिवस की 50वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देंगे। कविता के शब्दों को जरा सुन लीजिएगा। प्रवरा के अमृतमय तट पर संगम नेर चले, जन्मदिवस की सूर्ण महोत्सव वेला में सब मिले। प्रवरा के अमृतमय तट पर संगम नेर चले, जन्मदिवस की स्वर्ण महोत्सव बेला में सब मिले। भौतिकता की चकाचौंध में, भौतिकता की चकाचौंध में भोगवाद की धूम मची है। छिन्न भिन्न कर मर्यादाएं युवा शक्ति मदमस्त बनी है। ऐसे कोलाहल में गीता शंखनाद कर रहे मनस्वी, संस्कारों को जागृत करते संजय भैया तरुण तपस्वी। ऐसे कोलाहल में गीता शंखनाद कर रहे मनस्वी, संस्कारों को जागृत करते संजय भैया तरुण तपस्वी। संजय भैया क्या है? मालपाणी घराने के गौरव है ना, उतने ही नहीं रहे वो अभी। मालपाणी कुल गौरव अथवा किसी ग्राम में केवल सीमित, मालपाणी कुल गौरव अथवा किसी ग्राम में केवल सीमित, नहीं रहा उत्पल, उत्पल कहते कमल को। अब ये कमल का पुष्प केवल उस गांव जितना ही सीमित नहीं रह गया। नहीं रहा उत्पल इससे है भारत की हर दिशा सुगंधित। मालपाणी कुल गौरव अथवा किसी ग्राम में केवल सीमित, नहीं रहा उत्पल इससे है भारत की हर दिशा सुगंधित। अभिनंदन शुभ आकांक्षाएं प्रदान करने चले, तेजो में इस दिव्य ज्योति से लाखों दीप जले, अगणित दीप जले संगम नेर चले। अब संगम नेर चल करके संजू भैया का अभिनंदन हम कर कैसे सकते हैं? उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं। संजू भैया को जन्म दे करके उसे इन सारे संस्कारों से सिंचित करने वाली उनकी माताजी ललिता जी यहाँ पर बैठी है। हम आदर के साथ उन्हीं को यहाँ पर आवाहित करते हैं और उनके अभिनंदन के माध्यम से हम संजू भैया का अभिनंदन करना चाहते हैं। ये आपको कैसे लगता है? तो गीता परिवार के विविध केंद्रों के जो प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर हो गए वो यहां पर आ सकते हैं।
केवल प्रमुख कार्यकर्ता मिले आइए। और हम शुभ आकांक्षाएं प्रदान करेंगे ताकि संगमनेर के लोगों को भी लगे कि हम भी कोई कम थोड़ी है। मैं जब काशी पढ़ता था तब जब पत्र लिखता था किसी को भी तब नीचे अपना नाम नहीं लिखता था, मैं लिखता था छोरा गंगा किनारे वाला। मुझे गंगा जी से उतना प्रेम उस समय से रहा है। तो सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। संजू भैया का जन्मदिन मंगल हो। संजू भैया का जन्मदिन मंगल हो। संजू भैया का जन्मदिन मंगल हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज मैं ज्यादा तो बोलना नहीं चाहती हूँ मगर गुरुजी का संजय के लिए जो प्रेम है वो बचपन से ही है। मेरा जब परिचय हुआ गुरुजी से, गुरुजी संगम ने रहने लगे तो 7 साल का था संजय, घूम फिर के आता और मांडी पे सो जाता था। मुझे लगता शायद ही किसी को ये भाग्य मिला होगा जो संजय को मिला, और गुरुजी उसको सहलाते रहते। ऐसे ही एक बार दिवाली में उसका हाथ जल गया था तो वो बहुत नाराज हो गया कि अब मैं फटाके कैसे उड़ाऊँगा, मेरा तो हाथ पहले ही जल गया फटाके से। तो गुरुजी ने धोती कसकर, चल संजू तू और मैं फटाके उड़ाते, और दिवाली में गुरुजी ने उसके साथ फटाके उड़ाए। तो मैं तो समझती हूँ ये बहुत बड़ी उन गुरुजी की उसके ऊपर कृपा रही है। और मैं तो यही समझती हूँ मेरा जो परिवार है, मेरे जो बच्चे हैं, ये इनकी कृपा है कि आज वो दोनों बच्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि भी काम कर रही है बहुत इनका, और संजय राजेश तो है ही जुड़े हुए, मंजूषा भी करती रहती है, तो इनका ही है। मैं तो सब जग को बच्चा समझती हूँ और मेरे बच्चे गुरुजी के हैं। यही कहते